इमरान खान की मैं बात करना चाहूँगी, आपने इमरान खान के साथ एज ए करेक्टर भी काम किया, फिर आपने उनको पॉलिटिकल उसमें भी देखा, रोल में भी देखा, तो अगर दोनों इन चीज़ों के रोल्स का कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान किस रोल में ज़्यादा बेहतर थे या बेस्ट थे? देखिए, जब वो क्रिकेट खेलते थे तो वो माइट इज़ राइट होती थी, तो हम तो उससे बहस ही नहीं कर सकते थे, तो डर लगता था क्योंकि झाड़ पड़ जाती थी, सो और थपकी भी नहीं दे सकते थे। अब तो आप देखते हैं ना, विकेट लेने के बाद जो करतब करते हैं कभी इस तरह से और कभी सेलिब्रेशंस में, हम उनको आउट करने के बाद तो पीछे थपका भी नहीं सकते थे क्योंकि वो कहते थे ये मेरी जॉब है और जो मैंने आउट किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो एक लेवल अलग था, मगर वो फिर मैसिव चेंज आई उनकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो पॉलिटिक्स में आए। सो मैं ये समझता हूँ, मेरा देखें जितना एक्सपीरियंस है ना, और ये मैं कह चुका हूँ कि उनको हमने देखा है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हुए, तो ये इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जितनी मर्जी आप एनालिटिकल इनके ऊपर स्टडी कर लें, जितना मर्जी आप सीक्वेंस डेवलप कर लें कि जी क्योंकि ये 10 चीज़ें गलत है इसलिए ये हार जाएंगे, क्योंकि ये 8 चीज़ें ठीक नहीं करते ये हार जाएंगे, मैंने देखा है इनको ऑड्स को बीट करते हुए कई दफ़ा क्रिकेट फील्ड में। तो इनमें ये है कि एक तो ये हौसला बहुत है, फिर ये है कि एक तो पठानों वाली स्ट्रीक है, और आपको पता है पठानों की स्ट्रीक जो होती है ना वो नेवर से डाई वाली होती है, और उसके बाद अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का तड़का लग जाए ना तो फिर बड़ा मुश्किल ये कॉम्बिनेशन हो जाता है फॉर ऑपोजिशन। सो और फिर ये कि गलत प्रूफ करके देते थे, कई दफ़ा बहस होती थी कि नहीं ठीक है। वर्ल्ड कप 92 हमारी ग्रेट एग्जाम्पल है, क्योंकि इनका शोल्डर ख़राब हो गया था, बॉलिंग होती नहीं थी, बैटिंग इनकी फ्लॉप जा रही थी, हमें मार पड़ रही थी, उन्होंने डिसाइड किया कि मैंने नंबर 3 पे बैटिंग करनी है, क्योंकि जो हमारे नंबर 3 के एक स्टार प्लेयर थे वो आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे। तो हमने इनको टीम मीटिंग में कहा कि आपकी तो फॉर्म नहीं है, आप कैसे खेल सकते हैं। पहली दफ़ा हेड ऑन लिया इमी खान को, जो कि बहुत बड़ी बात थी, और अगर फिर ये नंबर 3 पे खेले, सबको गलत प्रूफ किया, तो वो तो है ही है उनकी क्वालिटी, और लीडरशिप बेइंतहा बेहतरीन थी। देखें, लीडरशिप होता है कि आपको जब वो टीम से कोई बाहर करता है ना तो उसका रीज़न देता है, ये नहीं है कि पॉलिटिक्स के थ्रू वो बाहर बिठा देगा, या कि आप क्योंकि लाहौर के हैं तो आपको ज़्यादा चांस मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। सो एक फेयर रन देते थे, और उसके बाद फिर उसको बताते थे कि क्योंकि तुम्हारा बैट इधर से आता है और तुम क्रॉस द लाइन खेलते हो, जब तक ये चीज़ ठीक नहीं करोगे मैं तुम्हें टीम में वापस नहीं ले सकता। सो एक ऑनेस्ट ऑनेस्टी के ऊपर था, ये भी ख्याल था कि इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, ये उनके बस का काम है। देखिए जी, सबसे ज्यादा उनको सियासत का पता है, सीरियसली कोविड में आपने देख लिया, ऑलमोस्ट सारी दुनिया एक तरफ थी, इनका व्यू पॉइंट अलग था और इनका व्यू पॉइंट जीता एंड में, क्योंकि इनको पता था। और मेरी भी एक दो दफ़ा जब बात हुई थी तो मेरे यही था कि जो गरीब गुरबा है वो तो उड़ जाएंगे कोविड में, अगर आपने सब पाकिस्तान बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया, खैर उसके बाद जो बाकी जितने भी उनकी कॉल्स थी वो आई थिंक ऑन मेरिट बहुत अच्छी थी। मैं समझता हूँ पाकिस्तान अभी जो उनके आइडियाज़ हैं ना, हम अभी भी अबाउट 10 साल पीछे हैं, इवेंचुअली हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, मगर कई कंट्रीज़ हैं जो फुल सर्कल में आ गए। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, इंग्लैंड ने उतार चढ़ाव सदियों में देखा, अब वो जो है ना एक क्रूज़ कंट्रोल पे है। इसी तरह से अमेरिका ने सब कुछ देख लिया, एक तरह से क्रूज़ कंट्रोल में है। पाकिस्तान ना अभी हम टर्बुलेंस में है। सो हमें जो एक परफेक्ट वर्ल्ड मिलेगा, और जो ऑनेस्टी की अगर बात करते हैं और पॉलिटिक्स में नो कॉम्प्रोमाइज़, और उसमें फिर एक तरह से इंटेग्रिटी की हम बात करते हैं, वो अभी हम करीबन 10 साल पीछे हैं।